रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। विक्रांत और पलक डिवोर्स ले रहे हैं। क्या विक्रांत पलक को छोड़ देगा? तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी भी याददाश्त का कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद ही नहीं? It's very un... कल रात को भी यही बोल रही थी ना, इसकी फिजियोथेरेपी तो मैं नहीं कर रहा। लगे रहो ना भाई। जो पलक है she's quite a tough nut to crack. तुम्हें अभी रियलाइज हुआ ये? हाँ यार, मतलब उसे तो दोस्ती करना इतना मुश्किल है, प्यार तो बहुत दूर की बात है यार। तुझे नहीं लगता तू ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहा है यार? चल ना अमन, तू सैक्रिफाइसिंग हीरो होगा, मैं नहीं हूँ। और तुझे भी बता रहा हूँ, ये जो एक तरफा प्यार होता है ना, उसमें आदमी सिर्फ बेवकूफ बनता है, बेवकूफ। समझ में आ रही है? फिर से चेक कर रहे थे ना विक्रांत के लिए, टेस्ट कर रहे थे ना मुझे? ऐसा कोई इरादा नहीं था। It's not okay. I'm not okay with this. I'm not okay जो दो साल से हुआ है उस, I'm not okay with anything. तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो पिछले 8 साल की कुछ मेमोरी याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ आता है। मैं थी वहां पे। तुम थी ना वो। हेलो पलक, मेरी बात ध्यान से सुनो, सेतु का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? इज इट सीरियस? नहीं नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, बट ब्रूजेस आए हैं काफी, और वो थोड़ा शॉक लगना तो नेचुरल है ना। ठीक है, मैं पलक को लेके आता हूँ। डोंट वरी, रोहित मिला क्या? ही हैज टू बी हियर। सेतु को अगर ये फील हुआ कि एक्सीडेंट का मैसेज पढ़ के उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो उनके इश्यूज और बढ़ सकते हैं। तुम प्लीज सेतु का ध्यान रखो, मैं और ऋतिक उसे ढूंढते हैं, और जस्ट कीप मी पोस्टेड, प्लीज उसका ध्यान रखना। हमें रोहित को ढूंढना है, प्लीज प्लीज फाइंड हिम। ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। सुनो, हम रोहित और सेतु को अलग नहीं होने देंगे, ओके? प्रॉमिस। सेतु, हाय हाय, दर्द होगा अभी, रिलैक्स कर। रोहित कहाँ है? हाँ, रोहित एक्चुअली सेतु अभी बाहर गया है, वो एक्चुअली उसे कुछ मेडिसिन चाहिए थी जो यहाँ की हॉस्पिटल की फार्मेसी में मिली नहीं, तो वो बस बाहर से लेके आ ही रहा है। रोहित को बोलो मेरे लिए चॉकलेट लेके आएगा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ श्योर, मैं बोल देता हूँ। गेस्ट को बुरा लगाओ। अरे यार सेतु, किसी के साथ भी हो सकता था ये। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है तुझे, ठीक है? और अब ज्यादा ना बोलने की कोशिश मत कर, इसको ना हर्ट, सो रिलैक्स, ऑलराइट, जस्ट चिल। रोहित अभी बस गया ना, आया बस। बस आ ही रहा हूं। ब्रो, वेयर आर यू ब्रो? पार्टी का मजा ही खराब कर दिया यार। जान सेतु ने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करवाई है। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ यार, उनकी इवनिंग स्पॉइल हो गई और हमारे सारे प्रिपरेशंस वेस्ट हो गए। रोहित ना बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है, आई मीन फोन स्विच ऑफ कौन करता है? You know, एक ब्रिलियंट आइडिया आया है, एक ऐसा एप्लीकेशन बनना चाहिए जिससे हम लोगों को ट्रैक कर सके। और नाम क्या होना चाहिए? GPS? अरे यार डम्बो, वो तो जब फोन ऑन रहेगा तब ना, मैं ऑफ रहने के बाद की ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट। रिकी का कॉल मैं करूँ? ओह शिट, आई हैव टू कॉल रिकी। इसका फोन आ रहा है। माय गॉड, यू आर ब्यूटीफुल। Beautiful. I just don't have words for you. Yeah, hi love. तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। Hi, listen, रोहित का कुछ पता चला? Date? Of course. For you, I'm always available. Red dress. I just hate blue. I know. कि तुम्हारा mentally, you know. But remember, I'm your best friend. Of course. कल रात को मैं तुम्हारे बारे में तो सोच रहा था। And you know something really stupid happened. कोई अजीब सी लड़की मेरे बेड में घुस गई। While I was obviously fascinating about you, तुम ही तो। I'll see you soon. Bye.
कॉन्शियस. गुड फॉर यू. तुम्हारा भाई ऑफिशियली पागल हो गया है. तब तक वो भाभी के साथ है ना, सब कुछ ठीक है. यू नो माय लव स्टोरी विंस. और व्हाट हैपेंड? मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, सो आई विल जस्ट ग्रैब अ बर्गर. सुबह से कुछ नहीं खाया यार. और हम लोग तो खाते खाते भी ढूंढ सकते, राइट? आई एम नॉट ईटिंग, आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग. हाँ, पहले तो ये बता कि सेतु कैसी है. यार सही नहीं है, बार बार रोहित को पूछ रही है. और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक रोहित नहीं मिल जाता ना, उसको हमें यहीं रखना चाहिए. एनीवेज, एनी लक फाइंडिंग हिम? नो लक. ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया. अच्छा लिसन, मुझे तुझे कुछ कुछ बताना है. रिकी अगेन ही इज फॉलिंग फॉर पलक. कैसे? यू नो जब पलक रिकी के आसपास होती है ना, तो वो मुझसे फेक फ्लर्ट करता है. अभी राइट नाउ व्हेन आई कॉल्ड हिम, ही वाज फ्लर्टिंग विद मी. And I'm sure पलक उसके आसपास ही थी. रिकी पलक के लिए इनसिक्योर है, like before. और रिकी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता. हाँ, but how is this even possible यार? रिकी भाई को कुछ याद नहीं है. Listen, I'll call you back. I'll call you back. रोज यहाँ आता जाता रहता ना, so I thought, why not? क्या हुआ ऋत्विक? Are you okay? हम यहाँ पर हैं. पहले आए हैं. Same, just you and me. तुम्हारे साथ relationships थे? हम यहाँ पर. शायद उनमें से किसी के साथ. नहीं, no fucking way. It was you. It was me. It was like बिल्कुल deja vu. पहले. Don't stress. It's okay. Maybe. मैं तुम्हारे डैड की फिजियोथेरेपिस्ट थी ना, मे बी सबकॉन्शियस में कुछ आया होगा. वीरे, रोहित कहीं नहीं यार. मुझे ना फील आ रही है, These boys are up to something. और ये रोहित का गायब होना भी ना, आई एम प्रीटी श्योर इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान. कुछ तो गड़बड़ चल रही है. ये जान मुझके गायब हुए जस्ट टू कीप पलक एंड ऋत्विक टुगेदर. नहीं यार वीरे, ऐसे कैसे हो सकता है? रोहित अपनी पार्टी छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और इतनी ड्रास्टिक प्लानिंग नहीं हो सकता यार. नहीं, कुछ गड़बड़ है तो मुझसे लिखवा ले. तुझे पता है कल शिवम विक्रांत के ऑफिस में स्नूप राउंड कर रहा था? क्यों करेगा वो ऐसा जबकि वो विक्रांत को हेट करता है? हाँ सुन ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि इन बॉयज को ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता. यू नो ना विक्रांत इज डिवोर्सिंग पलक. व्हाट? ओ गॉड. Of course, man. Damn. क्या हुआ? क्या मुझे पता है कि शिवम क्या कर रहा था विक्रांत के ऑफिस में. वो डिवोर्स पेपर्स लेने गया था यार. उसके हाथ में वो लीगल एनवेलप भी था. You know what this means, right? It means कि उन लोगों को पता है कि विक्रांत पलक को डिवोर्स करने वाला है. और ये जो रोहित भी गायब हुआ है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्लान. ट्रस्ट मी, इसको तो ना मैं छोड़ूंगी. हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड है रोहित, वो शाम से मिल नहीं रहा है. इज मिसिंग. That's him. Uh-huh. He's quite a regular here. आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? No, I don't know. But मैं CCTV में चेक करके आती हूँ. All right. Okay, thank you. तुम विक्रांत को पहली बार कब मिली थी? मैं उसकी कंपनी में जॉब करती थी. I was married once. मुझे जॉब की ज़रूरत थी. मेरे हस्बैंड की फैमिली हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. उसे अपनी फैमिली को छोड़ के मुझसे शादी करनी पड़ी. It didn't work out. उसे मुझे छोड़ के जाना पड़ा. अपने पहले हस्बैंड को भुला नहीं पाई हो?
कभी नहीं भुला पाऊंगी ऋत्विक। और इसीलिए तुम विक्रांत को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, because of your husband. Just got a call. ये देखो, रोहित ने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भेजी है। रोहित कहाँ है? घर पर गया है बच्चों से मिलने के लिए, बहुत ज्यादा वरीड था। मुझे इसमें से कोई भी फ्लेवर नहीं पसंद। रोहित इतना भी नहीं जानता कि मुझे कौन सी चॉकलेट्स पसंद है। सेतु एक्चुअली वो बहुत ज्यादा परेशान था, और हो सकता है कि रात में सिर्फ यही मिली हो, पर कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरी ये फेवरेट है तो मैं खा लेता हूँ। पलक को अपनी लाइफ से मत जाने दो विक्रांत। आई मीन लुक एट माई मैरिज, बच्चों की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि, लेकिन तुम दोनों बच्चों की वजह से ही तो तुम दोनों इतने पास आए हो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट अ रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट विक्रांत। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के दिल में सिर्फ ऋत्विक, लेकिन वो तुम्हें भी पसंद करती है दोस्त की तरह। प्यार में सबसे जरूरी जज्बात दोस्ती तो होता है विक्रांत, रोहित और मेरे बीच में वो नहीं रहा, और ऋत्विक और पलक के बीच में शायद वो कभी था ही नहीं। ऋत्विक हमेशा पलक को लेकर बहुत पोसेसिव था, और तुम दोनों के बीच में हमेशा दोस्ती रही है। यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर, नॉट पलक एंड ऋत्विक। अच्छा एक बात बताओ, अगर पलक और ऋत्विक इस वक्त एक साथ हैं अकेले, तो तुम्हें क्या लगता है उनके बीच में कोई केमिस्ट्री होगी? नो। इसी विश्वास को तो प्यार कहते हैं। जिया का इनहेलर राइट फ्राइड रॉल में रखा है। रुको रुको रुको, होल्ड करो। हाँ अब बोलो। मॉम, जिया का इनहेलर राइट वाले ड्रॉर में रखा है। हाँ हाँ, और प्लीज जिया को ब्रश करवा देना, वो बहुत 10 बहाने करेगी, उसको पसंद नहीं है, बट प्लीज करवा देना। तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ सेतु कैसी है। मॉम वो ठीक है, डीवा है उसके पास। गुड। और शौर्य अंशुमन उन्होंने खाना खा लिया। सुनो तुम रखो, तुमसे बाद में बात करती हूँ। हे राम, यू जस्ट लाइक माय मॉम। घर के बच्चों के लिए सगों से भी ज्यादा प्यार। मैं भी मॉम का सगा हूँ, पर प्यार बहुत है। बाय द वे, इन बच्चों की ना पूरी पिटाई हो रही होगी। माय मॉम, शी इज अ परफेक्ट मिक्स। शी नोज व्हेन टू पैम्पर, शी नोज व्हेन टू डिसिप्लिन। मैं देखो डैड से लड़ पड़ी थी। आई रिमेम्बर वंस आई फेल इन लव एंड She stood by me. Fell in love. Mom, fought for me. I was it. मैं उसकी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाएगा। तनु मेरी सॉन्ग। राशि से किसी और से शादी कर रही हूँ। मैं कैसे रहूँगा? नहीं 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 रिकी, प्लीज। राजा मैं आपके को कहता हूँ। तनु यंत्र से राशि की राशि सर। तू पहले मुझे बता कि रोहित कहाँ गायब है। अरे मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है तुम्हारा कोई स्टूपिड प्लान है, तुम्हारा मुझे जानने का है, बता। Come on guys, मैं रिकी भाई और पलक को मिलवाने के लिए रोहित भाई और सेतु का रिलेशनशिप खराब क्यों करूंगा? तेरा भरोसा है? नहीं, एक सेकंड, लेट्स कॉल एंड चेक। रिकी भाई को पता हो सकता है? हाँ, एक सेकंड। क्या हम प्लीज आपकी सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? आई जस्ट वांट टू विजुअली सी क्या हुआ था। देखिए, आपने कहा था इमरजेंसी है, तो मैंने फुटेज चेक किया, वो यहाँ पर आए थे और फिर चले गए। दैट्स इट। इट इज एन इमरजेंसी। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे चेहरे पे जो ये दिल है, सो हॉट? यस, मेरी गर्लफ्रेंड ने। बाय द वे, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं? क्या है? रोहित का कुछ पता चला? वो कैफे आया था, मैं वहीं पर हूँ, और वो यहाँ से चला गया, बट डोंट वरी, हम ढूंढ रहे हैं उसको। मैं कॉफी पीने कभी नहीं आती थी। रुक, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। वो सब बहाना था।
आई यूज्ड टू कम फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। पहले तुम्हारा फ्रेंड मुझ पे ट्राई कर रहा था और अब तुम? ओह, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी इजी हूँ? आई ऑलवेज गॉट दिस वाइब फ्रॉम यू, आई न्यू इट। वो तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था मेरे लिए। ट्यूसडे को मैं फ्री हूँ, गिव मी अ कॉल। Tonight, maybe. And tonight. Yeah. मेरी ना एक फ्रेंड है, उसे लगता है उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, मेरी हेल्प मांग रही है। तो मैं सोच रही थी कि उसकी हेल्प कर देती हूँ एंड देन वी कैन यू नो सीसीटीवी फुटेज के साथ इफ यू कैन हेल्प मी। आई थिंक सीसीटीवी रूम भी यूज कर सकते हैं। Yes, cheaters should be punished, right? Sorry, ladies. Car parked right outside. Likh do isko. Yahan log dekh rahe hain. All right, come, let's go. Nahi, main bhej raha hu thodi der mein. Just wait in the car. What the hell? Tumse mujhe hamesha yahi hua hai, bhai. Hamesha. CCTV footage. I know this girl. इसका नंबर निकाल सकता हूँ मैं। Thank you so much. It's all right. नमस्ते, वो तानिया है, मैं उसकी फ्रेंड। दीदी तो घर पे नहीं है, उनको फोन आया था। वो कहाँ गई है? जॉय फार्म हाउस गई है। Thank you. हेलो, नहीं न्यूज़ कुछ पता चला उसके बारे में? अभी हम रोहित को ढूंढ रहे हैं। मैं और ऋतिक जॉय फार्म हाउस जा रहे हैं एक बार चेक करने के लिए। सीतू कैसी है? बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे, बार बार रोहित के बारे में पूछ रही थी। अब तक तो बहाने बनाए हैं लेकिन कुछ ही देर में डिस्चार्ज करने वाले हैं उसे। तुम उसको घर ले जाओ, मुझे जो भी पता लगता है मैं तुम्हें अपडेट करती हूँ। ओके। रीवा, वो पलक बहुत टेंस लग रही है, तुम लोग सीतू के पास रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? तुमको बोला ना चश्मा इधर होना चाहिए। जी जी सर, ले क्या तुम? विक्रांत, मेरी पलक को कभी मत छोड़ना, कभी डाइवोर्स मत करना। मेरा नंबर 102 कहाँ पर है? सर यहाँ। थैंक यू। तुम प्लीज यहीं रुको। 30 विक्रांत का मैसेज, मुझे डिवोर्स, इस विक्रांत के मुझे डिवोर्स। रोहित, क्या प्रॉब्लम है रिकी तेरे को? Help you. Fucking idiot, get up. यार मैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था अपनी प्यारी से। तू कैसा? कौन है? तान्या, हाय ऋत्विक, रिमेम्बर? सुन, थोड़ी सी इमरजेंसी है यार, बाहर फैमिली खड़ी है, बाहर से नहीं जा सकती एंड वी विल नीड द शर्ट। थैंक्स। किसी को बताया तो नहीं? उल्लू के पट्टे, कपड़े पहन। किसको पता है? किसको पता है? हॉस्पिटल में क्या हो गया उसका कल रात को? कैसे कैसे एक्सीडेंट कैसे होता है? कैसे होता है एक्सीडेंट? अबे मेरे को कैसे मालूम? पलक बाहर खड़ी है यहाँ। कहाँ? ए सुनना, वो है ना सेतु की बेस्ट फ्रेंड है। हा? उसको कुछ बताना नहीं, सेतु को कुछ बताना नहीं चलना चाहिए। राइट, मैं बताता हूँ उसको जाके। थप्पड़ मैं बताऊंगा सेतु को जाके। हेलो, अरे कितनी बार फोन किया मैंने तेरे को? फोन कब? मैसेज भी भेजा, पढ़ा नहीं? पापा जी, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। अरे क्या बकवास कर रहा, नहीं मिला? ठीक से देख। अरे मैंने चेक किया है, कोई मैसेज नहीं आया। क्या हुआ बोलिए ना। एक मिनट रुक। ओ
I'm sorry, Vikrant. वो मैसेज मैंने गलती से पलक को भेज दिया. प्लीज डोंट डाइवोर्स पलक. सुन, इसके बारे में कुछ भौंकना मत किसी को. के सेतु को तो ये बोलेगा कि तू यहां पर उसका वेट कर रहा था सरप्राइज देने के लिए. फोन देखना. तेरा फोन रात को टूट गया था और तू सो गया. और सुन, गाड़ी में है दूसरा फोन तेरा. ओके, मेरे को उससे फोन करना. पलक, थैंक यू सो मच तानिया. राइट, आई अंडरस्टैंड. ए वासिनी, इफ यू डोंट माइंड, बाहर फैमिली है सो. राइट बॉय, पलक को कुछ मत बोलना, यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में. ऋत्विक,